सर क्या कहेंगे, आज 22 जनवरी है, पूरे देश में राम मंदिर का एक पूरा जश्न मनाया जा रहा है। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के अंदर भी ये सैकड़ों साल पुराना राम मंदिर है। इसकी विशेषता ये है कि आसपास सब बहुमूल्य मुस्लिम इलाके जाते हैं कई सालों से, और यहाँ के लोग मिलजुल के मनाते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जय श्री राम। आज का ये भारतवासियों का बहुत बड़ा खुशी का दिन है, और मैं पहले तो इस देश के पंत प्रधान हैं उनके आज धन्यवाद दूंगा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, पर भगवान जो है अपने जो संस्कृति है, भगवान सबका होता है। इसमें कोई राजकारण नहीं, इसमें कोई जाति धर्म का कोई द्वेष नहीं है। और श्री राम भगवान को, रामचंद्र भगवान को तो पूरा दुनिया मानने वाली थी, और आज यहाँ जो हम खड़े हैं ये किराड़पुरे का राम मंदिर है। हमने ये तय किया था आज के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओर से, हमारा सब कार्यकर्ताओं, अब अयोध्या तो नहीं जा सकते लेकिन यहाँ के श्री राम प्रभु के अपन सब दर्शन छू लेंगे, तो यहाँ पर हम विद फैमिली के साथ में दर्शन को आए हैं। और आज जो देश में एक ऐतिहासिक, जो बहुत सालों के बाद आप देख रहे थे कि जो बहुत दिनों तक ये लवाद चल रहा था हिंदू मुस्लिम वगैरह, लेकिन वो राम मंदिर वहाँ पर खड़ा हो गया, और हमारे जो भी भारत के सब मुस्लिम भाई हैं इन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत सहयोग किए। और आज तक जो भी इसमें राजकारण चल रहा था वो राजकारण आज से तो वो राजकारण ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के लिए जो आदर स्थान देवस्थान था उसी को हमारे सब मुस्लिम भाइयों ने कि सपोर्ट कर दिए, और भाई एक बार का वो जो वाद चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। और आप इधर आपका आप जो बोल रहे हैं किराड़पुरे का मंदिर, अब यहाँ तो सब मुस्लिम मेरे आप आजू बाजू में हैं, लेकिन यहाँ की हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति बहुत अच्छी है। यहाँ सब जाति धर्म के लोग एक साथ में गले डाल के यहाँ पर चलते हैं और हर चीज़ को अपना समझ के काम करते हैं। फिर यहाँ कोई हिंदू का धर्म हो तो वहाँ सब मुस्लिम समाज आता है, जहाँ मुस्लिम समाज का ईद हो हम सब मिल के उसको मनाते हैं। अभी ये जो किराड़पुरे का आपने सब्जेक्ट करे, अभी यहाँ पे हमारे सलीम भाई खड़े हैं, ये हमारे राष्ट्रवादी के प्रदेश के सरचिटनेस से, लेकिन सलीम भाई का घर हमारे किराड़पुरे के मंदिर के गेट के सामने गए तो सलीम भाई का घर है, और इनका पूरा इलाका है ये मंदिर का। अब यहाँ तो कोई हिंदू आदमी का ये घर आजू बाजू में नहीं है, लेकिन इस मंदिर में आज तक भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसकी जो हिफाजत किया जाती है, इसको जो संभालते हैं, तो हमारे मुस्लिम भाई इसको सब संभालते हैं। ये आज तक का इधर का संभाजीनगर औरंगाबाद का इतिहास है। पर क्या होता है, आज मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम सब लोगों के खुशी का दिन है, पर श्री रामचंद्र प्रभु की इतनी मैं विनंती करूँगा आज का उनका भक्त कह के, कि जो हमारे सत्ता में जो हमारे नेतागण बैठे हैं, जो हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, जो आज अच्छा काम हुआ इसके लिए उनको सलाम करूँगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे मसले हैं, बहुत समस्या हो गई है जो आज देख रहे हैं। क्या गोर गरीबी की समस्या है, बेकारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, और हमारे अभी जाति धर्म में जो कुछ आरक्षण के बड़े मुद्दे लेकर यहाँ लोग चल रहे हैं, तो ये रामचंद्र प्रभु ने आज, मुझे ऐसा लगता है क्या, जो हमारी सरकार चला रही है, जो हमारी सरकार में बैठे वाले हमारे जो नेता है मंत्री है, इनको सदुपयोग बुद्धि दे दे, और इस महाराष्ट्र में, इस इंडिया में ये सब जातिवाद खत्म कर दे इनको, और लोगों के सामाजिक काम पर इन्होंने ध्यान देना चाहिए, विकास के काम पर अभी ध्यान देना चाहिए। इतनी विनंती आज इस अच्छे मौके के माध्यम से मैं करूँगा। और दूसरी बात जो है, यहाँ आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, आज इधर राम मंदिर बस रहा है, ये सब हमारी दुनिया की खुशी है, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ा सवाल जा रहा है कि जो मराठा समाज के लिए आरक्ष के लिए हमारे जरांगे पाटिल, जिनका आप सब दुनिया देख रही है, वो आज इधर एक तरफ से 5-10 लाख लोग लेके उनका एक पैदल चल के उपवास करके बम्बई की तरफ जा रहे हैं कि मराठा समाज वंचित है इसके लिए। दूसरा, हमारे मुस्लिम समाज के लिए कुछ 5% आरक्षण की मांगनी है, उतना ही गवर्नमेंट ने करना चाहिए। धनगर समाज के लिए कुछ मांगनी है, और जो भी कोई पिछड़े वर्ग है इनके जो भी कुछ समस्या है तो ये हल होना चाहिए। ऐसी आज श्री राम प्रभु चंद्र के ये दरबार में हम एक शासन को विनंती करेंगे, और आज अच्छे दिन है, गलत किसी के लिए कुछ बोलना नहीं है, तो इतना ही
करके हमारा इस समाज को साथ में लेके विकास के काम इस शासन में अभी हाथ में लेना, इतना इस मौके पर कहूँगा। और इसके बाद में हमारे जो सलीम भाई है जो इस मंदिर की देखभाल करते, ये नहीं करते, इनके दादाजी इस एरिया के जो एक प्रमुख थे, क्या थे, पुलिस पटेल थे, तब से इन्होंने तय किया था कि ये मंदिर के लिए हम पूरी हिफाजत करेंगे। और आज इतने सब एरिया में, लेकिन यहाँ भी कोई हिंदू भाई आते हैं हमारे दर्शन को आते हैं, पर आज तक मंदिर में इतिहास में दिखा देना कि हमारे इधर कुछ गलत हुआ है, कभी नहीं हुआ। तो ये हमारे सलीम भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द उन्होंने अपना इनका इधर का इतिहास अनुभव बोलिए। सर आपसे एक सवाल है, आज देश के कुछ नेता कह रहे हैं कि आज 22 जनवरी को भारत में राम जी का मतलब अच्छे से राम राज आया है, तो क्या माना जाए कि आप मतलब लोकतंत्र और राम राज में अंतर क्या है, नंबर एक? और नंबर दो, राम राज के बाद आने के बाद क्या भारत से भ्रष्टाचार जो भी जातिवाद खत्म हो जाएगा? सर राम राज्य तो आज तो वो हालात नहीं है, ऐसा गलत बोलने से चलने वाला नहीं है, लेकिन एक समाज, एक हिंदू समाज का एक दैवत है, उसके लिए उसकी आराधना हो रही है, उसका आज मंदिर स्थापना हो रही है, मंदिर की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही, ये एक भावनिक मुद्दा है और ये हमारा एक समाधान है। लेकिन राम राज्य इससे नहीं आएगा। राम राज्य आने के लिए मैं वही तो कहे पहले, क्या शरद, मैं ये रामचंद्र प्रभु को ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी विनंती रहेगी, प्रभु रामचंद्रा इस जो शासन में बैठे हैं इनको अच्छी बुद्धि दे और यहाँ पे अच्छा राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य आने के लिए यहाँ हमारी बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। राम राज्य आने के लिए यहाँ पे उद्योग धंधे अच्छे आना चाहिए। राम राज्य आने के लिए यहाँ पीने का पानी मिलना चाहिए। राम राज्य आने के लिए रास्ते अच्छे होना चाहिए। राम राज्य आने के लिए हमारे को यहाँ आरक्षण का मुद्दा छोड़ना चाहिए। राम राज्य आने के लिए हमारी महिला भगिनी सुरक्षित रहना चाहिए। राम राज्य आने के लिए ऐसे बहुत सारे कोई सवाल है, वो पूरे होना चाहिए, तब राम राज्य आएगा। और राम राज्य आने के लिए सब जाति धर्मों का सवाल सलोखा होना चाहिए, किसी जाति धर्म में झगड़ा नहीं होना चाहिए, दंगल नहीं होना चाहिए, उस टाइम में ये राम राज्य आएगा। इसको बहुत कड़ी मेहनत और बहुत काम करना पड़ेगा और तब राम राज्य आएगा, ऐसा हम ये हमारी खुद की मेरी एक छोटा सा कार्यकर्ता बोल के एक मेरी खुद की भावना है। क्या कहेंगे आपके वालिद साहब का, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, हमने देखा बचपन से आपके वालिद साहब राम मंदिर की हिफाजत करते थे, सुरक्षा करते थे, आज नए हालात में, नए समीकरण में कैसा लगता है आप? देखिए मैं सलीम पटेल वाहेगा होकर एक बात तो क्लियर कहूँगा कि ये जो किराड़पुरे का राम मंदिर है, हमारे पुरखे थे गुलाब पटेल जो यहाँ पुलिस पटेल थे, जो नए पीढ़ी के थे और बचपन से हम इस मंदिर के प्रांगण में खेलते थे, हमारे पिताजी कासम पटेल भी थे, हमारे चचा वगैरह सब पूरे लोग यहीं थे। जब से लेके आज तक इस मंदिर के पूरे चारों तरफ से मुसलमान हैं, कभी यहाँ ऐसा कोई घटना हुई नहीं और ना कभी होगी फ्यूचर में। हमेशा ही अक्सर यहाँ एक बंधु प्रेम रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा मंदिर से आज भव्य मंदिर यहाँ बन गया है, दुकानें बन गई है और इस पूरे दुकानें में तमाम लोग मुसलमान हैं और इसकी देख रेख भी जो है पूरे मुसलमान करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज एक भाईचारे का संदेश हमारे यहाँ से जा रहा है, क्योंकि हम भी हमेशा यहाँ पर जब भी कुछ प्रोग्राम होता है मंदिर में तो हमारे मंदिर के जो व्यवस्थापक है बंसोड़ साहब भी अक्सर करके हमारे जो मेन लोग हैं उनको बुलाते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करूँगा कि वो अक्सर यहाँ रहते हुए पूरे लोगों का मैनेजमेंट करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, आज एक त्यौहार का तरह से आज जो हमारे हिंदू भाई यहाँ शामिल हुए, सबको मैं एक बधाई दूंगा और एक अच्छा संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि हमेशा से ही जिस तरह से आज भाईचारगी का संदेश पूरे देश में चल रहा है, उसी तरह से बरकरार रहे, जात भेद खत्म है और बंधु प्रेम से रहे, इतने में आज के मौके पे कहूँगा। सर एक सवाल है कि आप एक मुसलमान हैं और आज की शुभ घड़ी के अवसर पर हम देखते हैं कुछ मुस्लिम लीडर पूरे देश के अंदर राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ विवादित बात कर रहे हैं, बतौर मुसलमान की आप कैसे महसूस करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस देश का सबसे सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट और तमाम देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान लिया है। कुछ सियासी लोग होते हैं जिनकी दुकानें चलने के लिए उसको अलग अलग तरीके से बोलेंगे, एक माहौल क्रिएट करेंगे, माहौल ख़राब करेंगे, लेकिन जो बीत गया वो ख़त्म हो गया। मैं इस बात को मानता हूं कि अब आगे क्या होना है और आगे क्या करना है, हमको एक कदम देख के चलना चाहिए, इस पर किसी तरह का कोई राजकारण नहीं होना चाहिए। देखिए जो जिस चीज़ को लेकर दो पार्टी आपस में चल रही थी वो विषय ख़त्म हो गया। अगर इसी को हम पीटते रहेंगे, इसी को लेकर चलता रहेंगे तो वो माहौल बनेगा नहीं। आज देश में बहुत बेरोजगारी है, हमको रोजगार और एक अच्छा संदेश कैसा देना चाहिए। मैं एक मुसलमान होने के हिस्से से इतना क्लियर कहूँगा
कि जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो हमको मानना पड़ेगा। इस देश में सबसे उच्च अगर कोई है तो वो कोर्ट का निर्णय है। अब आगे अब इसमें कोई राजकारण होना नहीं चाहिए। सर, इससे हटके एक सवाल मेरा आखिरी सवाल है कि राम मंदिर तो बन गया, ठीक है, लेकिन मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं बतौर एक मुसलमान, वहाँ करीब में 7 किलोमीटर पर एक मस्जिद की जगह दी गई है, तो आपको कैसा लगता है? आप अपील करेंगे मतलब प्रधानमंत्री से कि आपने राम मंदिर के लिए तो बहुत भागदौड़ की है, लेकिन हम 25 करोड़ मुसलमानों के लिए भी कुछ सोचिए, आप पर व्यक्ति के तौर से कुछ कहेंगे आप? भाई देखिए, हमारे देश के पंत प्रधान चाहे किसी भी पार्टी के, हमारे देश के पंत प्रधान हैं। मैं अपील उनसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने एक धार्मिक समाज का उत्साह के लिए जितना बड़ा कदम उठाया है, तो कहने के देश में मुसलमानों के लिए भी अच्छा बड़ा कदम उठाए और एक अच्छा संदेश दे जिससे कि देश की एक अखंडता और एकता बनी रहे, इतना मैं कहूँगा। जय श्री राम। अयोध्या मध्ये आज रामलल्लाची जी स्थापना होत आहे, त्याबद्दल सर्वांना देशवासियांना राममय शुभेच्छा। जय श्री राम। आज भारतवर्ष के लिए ये जो घटना है ये ऐतिहासिक घटना है और 500 सालों के इंतज़ार के बाद हमारे रामलल्ला जो हमारे उसके मुख्य मंदिर से अलग थे, तो आज मंदिर में उनकी प्रतिष्ठापना यहाँ पे होती जा रही है, तो ये एक विशेष घटना है और पूरे 125 करोड़ भारतवासियों के लिए ये बड़ा ही खुशी का मौका है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो संभाजीनगर है हमारा, तो ये संभाजीनगर पूरी भारतवर्ष की एकता का प्रतीक है। यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये जो मैसेज है ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज यहाँ पे है और सैकड़ों सालों से यहाँ पे हमारे संभाजीनगर में हिंदू और मुस्लिम भाई बिल्कुल सगे भाइयों की तरह यहाँ पे मिलके रहते हैं और ये एक नेशनल मोन्यूमेंट है। हमारा जो खिराड़पुरा का ये जो मंदिर है ये नेशनल मोन्यूमेंट है और ये एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। जो भी लोग आपस में झगड़ा करते हैं, वाद करते हैं, दंगल करते हैं, उनके लिए संभाजीनगर का ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पे इकट्ठा कैसे रहते हैं और ये मंदिर जो है, इस मंदिर में इसकी सभी जो है वो आदर करते हैं। तो इस मौके पे मैं अपनी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आज देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये भव्य असं राम मंदिर उभं राहतंय, त्याचा आनंद सर्व या देशातील तमाम सर्व जाती धर्मांना आहे, हिंदू समाजांना। त्यासाठी मी काही परिवारामध्ये काम करत असताना अयोध्येला कारसेवक म्हणून 2 वेळेस जाण्याचा योग माझा आला होता आणि आजही अनेक मंदिरामध्ये पूजा करून रामाचं मंदिर जिथं आहे तिथं दर्शनाला जाव आणि राम हा तमाम हिंदूंचा असल्यामुळं एका पक्षाचा असा कोणी समजू नये, त्यासाठी मी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा एक कार्यकर्ता म्हणून आज इथं संभाजीनगरमध्ये रामाच्या दर्शनाला आलेलो आहे। सर, मैं काफ़ी मुस्लिम समाज के अंदर घूमता हूँ, काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों से मिला हूँ और हम मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि राम राज आ गया है, 22 जनवरी हमारे भारत के लिए एक नया सूर्य उदय होने वाला है। 25 करोड़ मुसलमान आपने आपको कहाँ पाते हैं और आप जैसा आप नेता है तो आप 25 करोड़ मुसलमानों का संदेश देंगे कि आज राम राज में आप कहाँ पाते हैं, आपका विकास कैसा हुआ, क्या आपको संदेश है आपकी तरफ से? नहीं, राम राज्य का विकास म्हणण्यापेक्षा महत्त्वाचं जे आहे ते अनेक वर्षापासनं राहिलेलं जे स्वप्न होतं रामाचं हिंदू समाजाचं ते आज झालं, ते तेव्हा कुलप उघडलं, रामाचं दर्शन घडलं, त्याचा फार मोठा इतिहास आहे। पण आज ज्या विकासाचं नसताना रामाचं जे मंदिर आहे आणि तमाम हिंदूच्या जे मनामध्ये आहे त्याचा, त्या हिंदू समाजाला त्याचा आनंद झालेला आहे आणि आमच्यासारख्यांनाही सुद्धा जे काही सेक्युलर आणि अनेक पक्षामध्ये काम करत असेल त्यांनासुद्धा राम जन्मभूमीच्या या मंदिराचा आनंद झालेला आहे। सर, आखिरी में एक सवाल है, जो लोग आज भी मस्जिद मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं उनको कुछ संदेश देंगे आप? नहीं, वो तो करना नहीं चाहिए। मस्जिद और राम और रहीम एक ही है, दोनों का खून एक ही है, ये करना नहीं चाहिए। ये जो करता है वो गलत करता है, उसके हम खिलाफ है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद में देखिए एक 400 साल पुराना राम मंदिर है। ये तमाम महाराष्ट्र और तमाम भारत देश जिन्होंने देखा है राम मंदिर को लेकर मुसलमानों की घटनाओं को लेकर, देखिए ये गर्व की बात है। एक औरंगाबाद शहर के अंदर मुसलमान बहुमूल्य संख्या में रहता है और जहाँ पर ये राम मंदिर है 400 साल पुराना, ये आसपास पूरे मुसलमान रहते हैं। इसकी विशेषता ये है, देखिए सलीम पटेल वायगांवकर साहब ये एक मुसलमान है,
इनके दादा इनके पूर्वज इसकी सुरक्षा करते थे, ये पुलिस पटेल रहा करते थे। ये विस्तार से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उस एकता को देख ले, इस एकता को देख ले, यहाँ के राम मंदिर को देख ले। सवाल ये है, आज 22 जनवरी है, हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है। मैं व्यक्तिगत तौर से और तमाम मुस्लिम समाज में घूमता हूँ, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि तमाम देशभक्तों को, तमाम राम भक्तों को और तमाम हिंदू देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये कहना चाहता हूँ कि आज बता दीजिए कि मुस्लिम समाज अकेला नहीं है, पूरे देश के 100 करोड़ हिंदू आपके साथ में है। अब तक जो हुआ हुआ, आपके साथ राम राज में नाइंसाफी नहीं होगी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये बता दीजिए, ये संदेश दे दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ औरंगाबाद से और यहाँ के राम मंदिर से एक बहुत बड़ा एकता का संदेश जा रहा है। मैं समझता हूँ तमाम हिंदू मुसलमान नेता मिलकर एक पुरानी बातों को भूलकर हमारे नए भारत का निर्माण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।